वेलकम टू द जीएसटी हीरो वंस अगेन। आज हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले लिटिगेशन चैलेंजेस और उनको हैंडल करने के आसान टिप्स। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, मेक इन इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्कीम की वजह से इंडिया के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 17% तक बढ़ गया, जो कि अगले 5-6 सालों में 21% तक भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। परंतु जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडियन इंडस्ट्री पर कुछ अच्छा तो कुछ बुरा इम्पैक्ट हो गया। इसमें से सबसे क्रुशियल अगर कोई सेक्टर होगा तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वेंडर्स की संख्या ज्यादा होती है, तो अगर वो वेंडर ही जीएसटी से नॉन कॉम्प्लायंट रहता है तो आखिर में मैन्युफैक्चरर को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और उस डिफॉल्टिंग वेंडर के नॉन कॉम्प्लायंट की वजह से मैन्युफैक्चरर को जीएसटी नोटिसेस आने लगती है। तो अगर मैन्युफैक्चरर्स इसे टाइमली और एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो उन्हें पेनल्टीज, असेसमेंट ऑर्डर्स जैसे आफ्टर इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आज बात करेंगे जीएसटी लिटिगेशन की प्रोसेस पर और उसे हैंडल करने के आसान तरीकों पर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अलग अलग टैक्स डिस्प्यूट्स या नॉन कॉम्प्लायंस से बचा लेता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हर जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को रिटर्न फाइलिंग, ITC क्लेम, ITC रिवर्सल, जीएसटी रिफंड्स, इनवॉइसिंग और ईवे बिल जनरेशन जैसे कॉम्प्लायंसेस को फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इस कॉम्प्लायंस में कोई गड़बड़ी होती है तो एंटरप्रेन्योर्स को जीएसटी नोटिसेस आने लगती है, और अगर इनकेस बिजनेसेस इन नोटिसेस को सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो जीएसटी नोटिस मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले लिटिगेशन स्टेप्स को जानना बहुत जरूरी है। तो जनरली जीएसटी लिटिगेशन के स्टेप्स कुछ ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर डिपार्टमेंट को कोई डिस्क्रिपेंसीज नजर आती है तो डिपार्टमेंट द्वारा एक शो कॉज नोटिस इश्यू होती है, जिसके बाद टैक्स पेयर्स को उस शो कॉज नोटिस के लिए डिफेंस रिप्लाई सबमिट करना होता है। तो इस सिनेरियो में अगर डिसीजन आपके खिलाफ जाता है तो डिपार्टमेंट द्वारा एक असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाती है, जिसके तहत आपको डिपार्टमेंट द्वारा मेंशन्ड अमाउंट पे करनी हो। परंतु अगर टैक्स पेयर को ये ऑर्डर मंजूर नहीं है तो टैक्स पेयर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकता है, और इस अथॉरिटी ने भी सिमिलर असेसमेंट ऑर्डर निकाल दी तो टैक्स पेयर अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। परंतु टैक्स पेयर को इन दोनों अपीलेट द्वारा पास की गई ऑर्डर मंजूर नहीं है और साथ में ये मैटर कानून के वैलिडिटी पर ही सवाल खड़ा कर देता है, तो टैक्स पेयर कंसिक्वेंटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अपना अपील फाइल कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर फाइनल मानी जाएगी। तो इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले 5 ऐसे जीएसटी लिटिगेशन चैलेंजेस देखेंगे जो कि एज ए ओनर, एज ए CEO, एज ए CFO आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें नंबर 1 पर है मिसक्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जहां अगर मैन्युफैक्चरर रिटर्न फाइल करते वक्त रॉन्ग HSN कोड डाल के लोअर टैक्स पेमेंट्स या हायर टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम करता है तो आपको शो कॉज नोटिस आने की पूरी संभावना है। तो मैन्युफैक्चरर्स को गुड्स के अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है। नंबर 2, नॉन कॉम्प्लायंस विद ईवे बिल रेगुलेशंस। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड जॉब वर्क, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ज्यादा होती है, जहां मैन्युफैक्चरर को ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। परंतु कई बार मल्टीपल ईवे बिल्स होने के कारण मैन्युफैक्चरर्स ईवे बिल रेगुलेशंस को फॉलो करना चूक जाते हैं और नॉन कॉम्प्लायंस का शिकार हो जाते हैं, जिसका नतीजा उस मैन्युफैक्चरर को नोटिस आती है और आप नॉन कॉम्प्लायंस का शिकार हो जाते हो। नंबर 3, मिसमैच ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैपिटल डिफाइन हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वेंडर्स ज्यादा होने के कारण आपका जीएसटी डेटा वाइड हो जाता है। तो अगर आप इसे सही तरीके से रिकंसाइल करके ITC क्लेम नहीं करते हो या फिर सिर्फ परचेस के बेसिस पर ITC क्लेम करते हो तो डेटा में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है, जिससे आपको टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से तगड़ी नोटिस आएगी और जो कि आपके कैपिटल पर बैडली इम्पैक्ट करेगी। इसके बाद नंबर 4, नॉन कॉम्प्लायंस बाय सप्लायर। इस केस में अगर आपके सप्लायर के साइड से नॉन कॉम्प्लायंस है तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, परचेसर का परचेस डेटा सप्लायर के सेलिंग डेटा से एटोपॉपुलेटेड होकर परचेसर के जीएसटी रिटर्न्स में आता है, तो परचेसर का ITC हमेशा सप्लायर के कॉम्प्लायंस पर डिपेंड रहता है। तो अगर सप्लायर्स उनके आउटवर्ड सप्लायर्स के इनवॉइसेस अपने जीएसटी रिटर्न में मेंशन नहीं करता या फिर रॉन्गली फाइल करता है या फिर उस इनवॉइस का टैक्स ही नहीं पे करता है तो परचेसर उस स्पेसिफिक इनवॉइसेस का ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं, और अपने परचेस डेटा के बेसिस पर क्लेम करता भी है तो परचेसर को शो कॉज नोटिस आने लगती है। तो इस केस में सप्लायर का कॉम्प्लेंट रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद नंबर 5, फेक और नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वेंडर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो
तो यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर्स किसी स्मॉल वेंडर से रॉ मटेरियल परचेस करता है या फिर इन्हें जॉब वर्क के लिए बाहर बेचकर फिर से वापस लेता है, तो इस केस में भी परचेसर को ITC क्लेम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो वेंडर एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि कई बार स्मॉल वेंडर्स GST रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और उन्हें GST कॉम्प्लायंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस केस में भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही टैक्स बर्डन आता है और आखिर में आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर से बचे रहना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर टैक्स बर्डन भी आएगा और ऊपर से ITC क्लेम करते हो तो नोटिसेस भी आ जाएंगे। तो इन सब लिटिगेशन चैलेंजेस को आसानी से कैसे हैंडल किया जाए? जाहिर है कि GST लिटिगेशन हैंडलिंग इज द क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तो ये काम और मुश्किल बन जाता है, परंतु ऐसा नहीं कि हैंडल ही नहीं किया जा सकता। तो ऑब्वियसली एवरी प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन एंड हियर आर द टिप्स फॉर द GST लिटिगेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू स्टे इन द गुड बुक ऑफ GST अथॉरिटी। तो सबसे पहले आपको टाइमली और एक्यूरेटली GST रिटर्न्स फाइल करने हैं। फिर भी आपके टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और नोटिसेस आती है, तो आपको उन नोटिसेस का GSTN वाइज ट्रैक या डैशबोर्ड मेंटेन रखना होगा। इसके बाद आपको उन नोटिसेस को टाइमली और एक्यूरेटली रिप्लाई देना होगा और इसके लिए आपको एज ए CEO या फिर ओनर लेटेस्ट लॉ अमेंडमेंट के साथ GST लॉ की बेसिक जानकारी रखनी चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट समझ पाओ कि मैटर किस रिगार्डिंग है। अगर आपको इसे सीमलेसली हैंडल करना है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स एडवाइजर हायर करना होगा जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए और आपका GST लिटिगेशन सक्सेसफुल हैंडल कर पाए। बट अगेन दिस इज फॉर MSMEs। अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है और आपके पास मल्टीपल इनवॉइसेस और वेंडर्स है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को GST लिटिगेशन हैंडल करने के लिए इफेक्टिव सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो आपके मल्टीपल GST के नोटिसेस का डैशबोर्ड मेंटेन कर पाए, नोटिसेस को कैटेगराइज कर पाए और आपके कॉम्प्लायंस पर 360 डिग्री बर्ड आई व्यू दे पाए, ताकि आप नोटिसेस को इफेक्टिवली रिप्लाई कर पाओ। सो हियर इज GST हीरो लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो आपके GST लिटिगेशन को एफर्टलेसली और इफेक्टिवली मैनेज करता है। तो GST हीरो आपके लिटिगेशन को कैसे हैंडल करता है ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना लिटिगेशन हैंडल आसान बनाइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू विद एरर फ्री एंड स्ट्रेस फ्री GST कॉम्प्लायंस। नाउ इट्स टाइम टू लीव। जस्ट बिफोर लीविंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।